Life is like a mirror. It will smile at you if you smile at it. जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये आप पर तभी मुस्कुराएगी जब आप इसे देखकर मुस्कुराएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज की जो वीडियो है वो खाना खाने के बाद पानी पीने से होने वाली गड़बड़ी के बारे में। जी हाँ, खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। ऐसे क्या क्या खाने हैं जो आपको पानी पीने के बाद ये तकलीफें देती हैं, तो बात करेंगे इसके बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो, बताना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पानी पीने से हमारा शरीर हाइड्रेट रहता है और पानी पीने से हमारे शरीर की कई बीमारियां भी दूर होती हैं। जी हाँ, अगर आप दिन भर में 6 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। वैसे हर का शरीर अलग अलग होता है और हर की शरीर की जरूरत अलग अलग होती है। हर इंसान में एक जैसा नहीं होता है कि उसे कितनी पानी की जरूरत है कितना नहीं है, उसके अपने लिमिट के हिसाब से होता है। तो आप जितना पानी पी सकते हैं पिए, इससे आपके लिए ही फायदेमंद होता है। तो अगर आप कुछ फूड्स और फल के बाद पानी पीते हैं, मैं उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा, तो आपके लिए ये रिएक्शन और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं उस फूड्स और फल के बारे में बात करूंगा जिसे खाने के बाद आप पानी बिल्कुल भी ना पिए, वरना आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। खीरा और ककड़ी के अंदर में 90% तक पानी होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप खाने के साथ खीरा और ककड़ी खा रहे हैं तो इसके बाद आप पानी पीने को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसके साथ पानी पीते हैं तो ये आपके पेट की गतिशीलता को बढ़ा देता है और आप डायरिया या फिर दस्त के शिकार हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि खीरा और ककड़ी के बाद आप पानी बिल्कुल भी ना पिएं। अगर आप भुने हुए चने या फिर चने का चाट खाते हैं तो इसे खाने के बाद आप पानी बिल्कुल भी ना पिएं, वरना आपके पेट में दर्द हो सकता है। जी हाँ, चने को पचाने के लिए तीक्ष्ण पाचका अग्नि और जठिरा अग्नि की जरूरत पड़ती है। अगर आपने इसे खाने के बाद पानी पी लिया तो पेट की अग्नि शांत हो जाती है और चने पाचन अच्छी तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो जाता है। तो कोशिश करें चने का जो भी आइटम आप खा रहे हैं तो उसके बाद पानी पीने की कोशिश ना। वैसे तो कहा जाता है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप गरम गरम खाना खा रहे हैं तो आपको इसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं खाने के अंदर में उसकी अवशोषण हो जाती है, पाचन क्रिया में दिक्कत हो जाती है और पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर आपको खाना खाने के बाद पानी पीना है तो आधा घंटे तक इंतजार करें, तब तक उसे अच्छे तरीके से पचने दें या डाइजेस्ट होने दें, उसके बाद ही आप आधे घंटे के बाद पानी पिए। गरम पेय के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए तुरंत। कहने का मतलब है कि गरम दूध या फिर गरम चाय या कॉफी आप पी रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से आपके नाकों से खून भी आ सकता है। तो आप गरम चीजों के साथ तुरंत पानी ना। अगर आप मूंगफली खा रहे हैं तो आप मूंगफली के बाद पानी बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और अगर आप इसके बाद पानी पी लेते हैं, क्योंकि खाने के बाद इसके गले में सूखा सूखा सा लगता है और पानी की प्यास लगी जाती है, अगर आप इसके बाद पानी पीते हैं तो आपको खांसी होने की समस्या हो सकती है। तो ध्यान रखें कि मूंगफली खाने के बाद पानी बिल्कुल भी ना पिए। अगर आप तरबूज और खरबूज खा रहे हैं तो इसमें तो भरपूर मात्रा में पानी होता है, लेकिन इसके बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि तरबूज खरबूज खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आमाशय में गड़बड़ी होती है, एसिडिटी की दिक्कत होती है और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इसीलिए तरबूज खरबूज खाने के बाद आप पानी बिल्कुल भी ना पिए। अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो इसके बाद भी लोगों को पानी की प्यास लगती है कुछ लोगों को, लेकिन ध्यान दें कि आइसक्रीम खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, इससे आपके गले में खराश हो सकती है। कोशिश करें 10 से 15 मिनट के बाद पानी पिए। तो ये सारे फूड और फल जिसके बारे में मैंने आपसे बात की है कि इसके बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मेरे इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।